शिवसेना कांग्रेस के बीच सावरकर पर खींची कमान, संजय राउत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले सावरकर हमारे नायक। संजय राउत के सावरकर विरोधियों को नसीहत, कहा दो दिन अंडमान जेल में रहेंगे, सावरकर को समझ जाएंगे। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का बयान, सावरकर को भारत रत्न देने के लिए बीजेपी को किसने रोका, बीजेपी को इसे बहुत पहले ही करना चाहिए था। सावंत ने कहा जहां तक कांग्रेस की बात है हम सावरकर का विरोध करते रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, ये हिंदुओं का देश है क्योंकि यहां जितने लोग हैं उनके सबके पूर्वज हिंदू थे, यहां बाहर से कोई नहीं आया। कर्नाटक के हुबली में बोले गृहमंत्री अमित शाह, पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। हुबली में पुलिस ने सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 11 एसडीपीआई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। 26 जनवरी से मुंबई में पूरे 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल, थिएटर, होटल। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने नाइट लाइफ का किया है ऐलान। सामना के संपादकीय में अनुच्छेद 370 के बहाने केंद्र पर तंज, लिखा बंदूकों के जोर पर कश्मीर में शांति का माहौल। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, 5,000 से ज्यादा छोटी रैलियों का प्लान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी करेंगे कम से कम 3 रैलियां, मंत्रियों को जी जान से जुटने के निर्देश। दिल्ली बीजेपी ने फिर किया सीएम केजरीवाल पर वीडियो अटैक, कई आपत्तियों के साथ रैप किया लॉन्च, 5 साल तक जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप। मगरमच्छ के आंसू रोया, दिल्ली का विश्वास तूने हर मोड़ पे तोड़ा। कान खोल सुन 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 सुन, पलटू राम दिल्ली को सताया, पलटू राम पलटू। शाहीन बाग में सड़क बंद होने की वजह से हो रही दिक्कत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सरिता बिहार के छात्र, कोर्ट ने पुलिस को दखल देने को कहा। सीए के विरोध में शाहीन बाग में 35वें दिन भी महिलाओं का धरना जारी, कड़ाके की ठंड में भी सड़क पर प्रदर्शन। दिल्ली की तिहाड़ जेल में छूटने के बाद भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर आज अपने घर पहुंचे, बोले सीए के विरोध में भड़की हिंसा में घायल लोगों की करूंगा मदद। चंद्रशेखर ने मांगी अनुमति, बीजेपी जिस तरह सीए के समर्थन में रैलियां निकाल रही है उसी तरह भीम आर्मी को इसके खिलाफ आंदोलन की मिले इजाजत।